नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पिछले कई दिनों से डाला छठ की तैयारियों में जुटे लोग मंगलवार की पूजा सामग्री के साथ फल सूप डाला आदि की खरीदारी की। सामानों के दाम आसमान छूने के बावजूद लोगों की आस्था महंगाई पर भारी दिख रही है। बांस के बने जिस सूप को दौरा में पूजा का सामान रखा जाता है उसकी भी खरीदारी लोगों ने जमकर की। छठ पूजा में सूप का विशेष महत्व होता है, इसीलिए श्रद्धालुगण कीमत अधिक होने के बावजूद भी खरीदे। इस वर्ष एक सूप की कीमत 100 से 150 रुपए तो वही दौरा 200 से 250 रुपए में बिक रहा है। इधर बाजारों में फलों के दाम भी उछाल दिए। छठ पूजा में तरह तरह के फल की दुकानें नगर के मुख्य चौक चौक स्थित सब्जी मंडी बिलेसा सब्जी मंडी सिधारी शारदा चौराहा नरौली स्टैंड पर दुकानों पर पूरे दिन व्रत का सामान की खरीदारी की गई। इसके बावजूद भी छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। महंगाई के बावजूद देर शाम तक लोग खरीदारी में जुटे रहे। तैयारियां तो कोविड-19 करके थोड़ा स्लो चल रहा है और हमारा कल छठ पूजा है। कल बेटे के लिए मतलब व्रत रखना है, ये लड़कों के लिए ही होता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये और हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और कल हम व्रत रखेंगे, घाट पर जाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे और परसों ही सूर्य देव को अर्घ देंगे, फिर अपना व्रत को करेंगे। खरीदारियाँ कर रहे हैं, अच्छे से धूमधाम से कर रहे हैं। थोड़ा कोविड-19 करके हमारा थोड़ा प्रभाव स्लो चल रहा है, महंगाई पर कोविड-19 का असर पड़ रहा है, इसलिए हम खरीदारियाँ थोड़ा स्लो ही कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।